नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आकाश नॉलेज भंडार में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपने आसपास में बहुत सारे ऐसे चिन्हों को प्रयोग में देखते होंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं है दोस्तों, यह वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूँ। अगर आपको उन चिन्हों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का पहला सिंबल। हमारा पहला सिंबल हमारे सामने आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे, एक लेडी है, उनके हाथ में एक तराजू है और आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। तो यह जो दोस्तों आपका वो सिंबल दिख रहा है, यह सिंबल होता है न्याय का प्रतीक, यानी कि सिंबल ऑफ जस्टिस। अदालतों में आपको यह ज़रूर देखने को मिलते होंगे दोस्तों। चलिए हमारे अगले सिंबल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे। एक खोपड़ी है, कंकाल और दो हड्डियों का क्रॉस है दोस्तों। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है, यह बिजली और बिजली के खतरे का प्रतीक होता है। उसको दर्शाने के लिए कई जगह पर यह दर्शाया जाता है, और आप देखे होंगे बड़े बड़े वोल्टेज के पास में एक ऐसा खोपड़ी और दो क्रॉस हड्डियों का बना हुआ रहता है दोस्तों। इसका मतलब होता है डेंजर, इलेक्ट्रिसिटी डेंजर। तो अगले हमारा देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा अगला सिंबल जो कि है रेड ट्रायंगल, वो भी उल्टी दिशा में बना हुआ फ्रेंड। तो आप इसको शायद नहीं जानते होंगे, तो अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मतलब होता है परिवार नियोजन का प्रतीक, यानी सिंबल ऑफ फैमिली प्लानिंग, जबकि यह एक परिवार नियोजन का एक प्रतीक होता है फ्रेंड्स। अगला हम लोग सिंबल देख लेते हैं, इसको तो ज़्यादातर लोग जानते ही है फ्रेंड्स। प्लस में ये जो क्रॉस किया हुआ है रेड में, और पीछे बैकग्राउंड वाइट रहता है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर्स के सहायता और अस्पताल का प्रतीक होता है फ्रेंड्स। सिंबल ऑफ मेडिकल सर्विसेज के लिए है ये आप लोग भलीभांति जानते ही होंगे ज़्यादातर लोग। चलिए हमारा अगला सिंबल देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ये फ्रेंड्स हमारा एक अगला सिंबल आ चुका है, वो है झंडा। झंडा में आप गौर करके अगर आप इसको देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ऊपर में आपको ये हमारा तिरंगा दिख रहा है, ऊपर में केसरिया रंग ना होकर हरा रंग है फ्रेंड्स पहले में, उसके बाद फिर सफ़ेद रंग और नीचे केसरिया रंग दिया हुआ फ्रेंड्स। तो इसीलिए यह झंडा जो है एक सीधा झंडा नहीं कहा जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा जो झंडे का सबसे ऊपर में रहता है वो केसरिया रंग होता है फ्रेंड्स, इसलिए उल्टा झंडा है। तो उल्टा झंडा का जो प्रतीक होता है प्रॉब्लम, ये इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स, वो प्रॉब्लम का सिंबल ऑफ प्रॉब्लम का यह प्रतीक होता है उल्टा झंडा। अगर आप इससे पहले नहीं जानते होगे फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी ये तथ्य। चलिए हमारा अगला देखते हैं सिंबल, एक है येलो फ्लैग यानी पीला झंडा फ्रेंड्स। तो पीला झंडा का भी कुछ ना कुछ एक प्रतीक होता है, वो किसी चीज़ के लिए डिनोट किया जाता है फ्रेंड्स। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह जो होता है आपको संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को जो गाड़ी लेके जाते हैं वाहन, उस पर यह झंडा लगा होता है फ्रेंड्स, ताकि आप उससे दूरी बना लें, उस संक्रमण के नज़दीक ना जाएं, ताकि आपको रोग ना फैले फ्रेंड्स। इसलिए यह झंडा लगा दिया जाता है प्रतीक के तौर पे फ्रेंड्स। तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको विजुलाइज कर लीजिए और इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको कोई मेडिकल मतलब एम्बुलेंस जाता हुआ दिखे और उस पर अगर पीला झंडा लगा हुआ हो फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ जानी चाहिए कि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ के पर्सन को लेके जा रहा है रोगी को, इसलिए आप उससे दूरी बनाए रखें, ताकि आपको वह संक्रमण वाले रोग ना लगे आपको। चलिए हमारा अगला देखते हैं फ्रेंड्स, ब्लैक झंडा यानी कि ब्लैक फ्लैग। इसका भी एक इम्पॉर्टेंट मतलब ये सिंबल होता है फ्रेंड्स, यह होता है विरोध को जताने का सिंबल होता है फ्रेंड्स, सिंबल ऑफ अगेंस्ट, यानी आपको अगर किसी चीज़ के प्रति मतलब आपको अगर गुस्सा है, अगर आप उसके लिए मतलब आपको लगता है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो इसलिए आप ब्लैक झंडा उसके अगेंस्ट में दिखा सकते हैं, ताकि आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं इसको दिखाकर फ्रेंड्स। तो यह विरोध का प्रतीक होता है। चलिए हमारा अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है वो है रेड फ्लैग। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो कि आपको मैंने झंडा के बारे में सारे जो उसके जो प्रतीक होते हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो करते हुए चलिएगा दोस्तों, और दिमाग में अपने इस बातों को बैठा लीजिएगा। तो रेड झंडा जो है फ्रेंड्स, उसका जो होता है आपका ये होता है क्रांति या खतरे का सूचक होता है, यानी सिंबल ऑफ डेंजर एंड रेवोल्यूशन।
तो क्रांति का प्रतीक भी होता लाल झंडा फ्रेंड्स, और खतरे का भी सूचक होता कई जगहों पर। तो इसलिए आप लाल झंडा का मतलब आप समझ लीजिएगा दोस्तों। तो पीला झंडा के भी बारे में मैं आपको बता दिया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो कैरी करता वाहन उसके लिए वो सिंबल लगाया जाता है फ्रेंड्स। और ब्लैक झंडा का भी मैंने आपको बता दिया, ब्लैक झंडा का जो है विरोध प्रदर्शन के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और जो रेड झंडा है वो आपको क्रांति यानी रेवोल्यूशन और डेंजर का प्रतीक होता है फ्रेंड्स। तो ये याद रखिएगा इस बात को आप। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला सिंबल को। जैसे कि दोस्तों आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगी क्योंकि यह है ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट जो होता है ट्रैफिक नियमों से संबंधित एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सिंबल होता है फ्रेंड्स। ग्रीन लाइट जब दिया जाता है तभी गाड़ियां सिग्नल से आगे बढ़ती है दोस्तों। तो इसलिए बेहद इम्पॉर्टेंट है आप अगर गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो। चलिए हमारा अगला देख लेते हैं, यह है रेड लाइट। यह भी ट्रैफिक से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। तो ट्रैफिक मतलब जब रोकने के लिए यह जो है लाल रंग का जो सिग्नल का प्रयोग किया जाता है मतलब ट्रांसपोर्ट लाइन में फ्रेंड्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको मतलब रेड लाइट अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस सिग्नल पे खड़े हो जाइए, गाड़ी को स्टॉप कर दीजिए। और अगर आपको मतलब ग्रीन लाइट दिखने को मिलता है हरा लाइट तो आप गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, सिग्नल को पार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप इसको याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला सिग्नल ये सिंबल देखते हैं फ्रेंड्स। यह है एक चक्र। चक्र का मतलब प्रतीक बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, यानी कि यह प्रगति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। चक्र का जो आप देख रहे पहिया जैसे घूम रहा है इसका मतलब ही होता है यह कि आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमारे देश के झंडे में भी एक चक्र लगा हुआ है फ्रेंड्स जो कि हमारे देश की प्रगति को वो दर्शाता है फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला देखते हैं। हमारा अगला जो सिंबल है वो आप देख पा रहे, एक बंदा ने अपने मतलब बाह में यानी आर्म में ब्लैक कलर का पट्टी बांध के रखा हुआ है। इसका भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिंबल है फ्रेंड्स। अपना विरोध को जताने के लिए लोग काली पट्टी को अपने बाह में बांध लेते हैं फ्रेंड्स। तो यह अभी आपको याद रखना चाहिए, इसका मतलब होता है यह जो है शोक विरोध और दुख का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ सोरो अगेंस्ट एंड सैडनेस। तो इस चीज़ों को व्यक्त करने के लिए दोस्तों लोग अपने बाह पे काली पट्टी बांध के आप देखते होंगे बहुत जगहों पर प्रदर्शन के दौरान में या आप कोई सभा के दौरान में आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब सिंबल्स के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सिंबल्स है एक झंडा ही है फ्रेंड्स, मगर इस झंडे के बारे में एक विशेष बात आपको दिख रही होगी कि यह झंडा जो है आपको लहराता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यह झंडा आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसलिए यह डाउन साइड फ्लैग है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट इसका ये होता है। यह एक राष्ट्र का जो शोक होता है, अगर कोई बड़ी घटना राष्ट्र में घट जाती है फ्रेंड्स तो उस देश का झंडा को झुका दिया जाता है उस दिन के लिए, मतलब कुछ पल के लिए वो झंडा झुका कर राष्ट्रीय शोक का प्रदर्शन किया जाता है फ्रेंड्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर आप नहीं जानते तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हाल ही में ईरान में एक उनके जो बहुत बड़े पदाधिकारी थे उनका अमेरिका वालों ने उनको मतलब आतंकवादी घोषित करके मारा था, तो इसलिए उन लोगों ने अपना राष्ट्रीय शोक दिखाने के लिए अपने देश का झंडा को झुका दिया था फ्रेंड्स। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए हमारा अगला सिंबल देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। हमारा अगला सिंबल है वाइट फ्लैग। आप लोगों ने देखा पीला झंडा, लाल झंडा, काला झंडा, अब वाइट झंडा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। तो यह भी एक सिंबल होता है, वो होता है संधि या समर्पण का प्रतीक होता है फ्रेंड्स, सिंबल ऑफ कोऑपरेशन एंड डेडिकेशन। तो सफेद झंडा का भी एक अहम एक मतलब महत्वपूर्ण एक सिंबल होता है यह भी, इसलिए आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए हमारा अगला देख लेते हैं। हमारा अगला जो सिंबल है फ्रेंड्स वो है आप देख पा रहे हैं एक पेन। पेन पेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब एक वस्तु है फ्रेंड्स, जो कि एक प्रतीक के रूप में भी तौर यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और यह जो यूज़ किया जाता है इसका मतलब होता है कि संस्कृति और सभ्यता को यह दर्शाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह सिंबल ऑफ कल्चर है, सभ्यता और संस्कृति को कलम जो है दर्शाया जाता है उसके द्वारा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप नहीं जानते होंगे तो आज इस वीडियो को देखकर आप जान गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए अब हमारा आज का आखिरी मतलब सिंबल देखते हैं फ्रेंड्स क्या है।
वो है एक पत्ता है, यह पत्ता जो है फ्रेंड्स ओलिव है, ओलिव पत्ता है यह, या इसका भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबल होता है, दर्शाया जाता है कई जगहों पर फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। शांति का प्रतीक होता है यह ओलिव का जो पत्ता होता है फ्रेंड्स, सिंबल ऑफ पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो मेरे पसंद आए होंगे फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। तो स्टे सेफ एंड